कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का आदिवासी परिचय पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी पेपर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना, साथ ही हम पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आदिवासी परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी पूर्णांक आपका 75 नंबर कराने वाला, साथ ही समय आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और चलिए जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर हिंदी पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर वीडियो पूरा देखना, ठीक है। आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो वो आपके यही पेपर आएगा। तो चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था काव्य की दृष्टि से रीति काल को बांटा गया है, तो आपका आता 2 भागों में, और बा आता 3 भागों में, और सा आता 4 भागों में, और द आता 7 भागों में। तो यहाँ पर काव्य की दृष्टि से रीति काल को बांटा गया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा, 3 भागों में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपका दूसरा आता है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो आपका आता श्री कृष्ण को, बाता उद्भव को, और साता गोपियों को, और दाता सूर्य को। तो यहाँ पर सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, उद्भव को, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, अर्धम सम्मात्रिक छंद। अब आपका यहाँ पर चौथा आता नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, देशभक्ति की भावना। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और पांचवा आता हुआ धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका छठवां आता भोलेनाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, नाटक घर, ठीक है। तो आपका 6वें का यहाँ पर दा करेक्ट आंसर रहेगा, नाटक घर। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए, तो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आता परशुराम अपना गुरु भगवान डोडोंट को मानते थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, शिव, ठीक है, शिव को मानते थे। फिर दूसरा था आश्रय की बाह शारीरिक चेष्टाओं को डोडोंट कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, विवाह, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आश्रय की बाह शारीरिक चेष्टाओं को विवाह कहते हैं। फिर तीसरा आता विस्तृत कलेवर वाले कप को, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए विस्तृत कलेवर वाले कप को महाकाव्य कहते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, महाकाव्य। फिर आपका आता बाल गोविंद भगत की ब्रह्मा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डोडों तक चलती थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आएगा, फागुन मास। फिर आपका आता पांचवा डोडोंट वाक्य से किसी क्रिया के करने या न, ठीक, क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, विधान वाचक, ठीक है। अब 6वां आता कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डोडोंट की तरह चमक रहे थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा, चांदी, ठीक है। इस तरह से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका शिव रहेगा, दूसरे का आंसर आपका विवाह, तीसरे का आंसर आपका महाकाव्य, और चौथे का आंसर आपका फागुन मास, पांचवें का आंसर आपका विधानवाचक, और 6वें का आंसर चांदी। अब चलिए आपका जो प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 में आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की सही जुड़ी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की आपकी सही जुड़ी आती हैं, जो कि स्तंभ आओ बा में आपके यहाँ पर दी गई सही जुड़ी। तो पहले आती है उत्साह कविता, ठीक है, उत्साह कविता को मैच करना आपको यहाँ पर एक आहन गीत से, और दूसरी आती है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ मानवीकरण अलंकार से। जो तीसरी आती है रिपोर्टाज की भाषा, तो इसे आपको फ्रेंड से मैच कर देनी है, और जो चौथी आती है सफ़ेद पोस्ट, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर भद्र व्यक्ति, और जो पांचवी आती है जो कम बोलता हो, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर मितभाषी से, और जो 6वीं आती है आपकी आगे, तो आगे को मैच करना आपको यहाँ पर तार सप्तक से। तो इस तरह से जो 6 नंबर की आपकी यहाँ पर सही जुड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पर लाए हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है एक बाग में उत्तर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, ठीक है। तो पहला आंसर रहेगा आपका फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए किसान और
कृषि संस्कृति के करीब, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है विवाह की भेदों के नाम लिखिए, तो विवाह की भेदों के नाम हो जाएंगे आपके आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर आलम्बन हो जाएगा और उद्दीपन। अब फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा आनंद कानन नाम से, ठीक है। आनंद कानन नाम से आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो चौथे का आंसर आपका रहेगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अव्ययीभाव समास, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। अब पाँचवा आपका यहाँ पर आता अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, ये आपका यहाँ पाँचवें का आंसर रहेगा। फिर छठवां आता भोलेनाथ के पिता फूल की कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, इसका आंसर आपको खुद करना है। अब आपके प्रश्न पाँच आता सत्य असत्य कथन लिखिए, छः नंबर के आते हैं। पहला आता मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है। पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता दोहा और चौपाई वाणी छंदे, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला असत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर आता तीसरा मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये आपके यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहने वाला है, ठीक है। और फिर आपका आता दो वर्णों की मिल को संधि कहते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पर रहने वाला है सत्य। और फिर आपका आता पाँचवा रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और फिर आपका छठवां आता पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य और तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दिए। अब प्रश्न छः आता रीति काल को श्रृंगार क्यों कहा जाता है, रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए, अथवा आता नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। और सातवां आता तुलसी अथवा नागार्जुन की कविगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, दो रचना लिखना, कलापष्ट लिखना, इनके आंसर भी हम आपको कराएंगे। आठवां आता गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको नौवां क्वेश्चन आता फागुन में ऐसा क्या होता जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, अथवा आता कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन है दसवां, वो दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए खंड, ठीक, खंड का आपकी दो विशेषताएं लिखिए, अथवा आता स्थायी भाव एवं संचयी भाव में दो अंतर लिखिए, जो इनके आंसर वो भी कराए जाएंगे। और साथ ही इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना वो भी हम बताने वाले हैं। और ग्यारहवां क्वेश्चन आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके जो PDF है वो PDF की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए कहानी एवं उपन्यास में कुछ द्वांतर लिखिए। तेरहवा क्वेश्चन आता है तो तेरहवा क्वेश्चन देख लीजिए, चौदहवा क्वेश्चन आता है सिनाई ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। और फिर आपका आता आठवां क्वेश्चन, फिर पंद्रहवा क्वेश्चन देख लीजिए। और सोलहवा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है, और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, खून पसीना एक करना, इसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है, और गगन में सागर बनना। फिर आपका सत्रहवा क्वेश्चन आता है तो सत्रहवा क्वेश्चन देख लीजिए। अठारहवा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, उद्धव तुम हो अति बड़वागी, इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। और जो इसका अठारहवीं का अथवा वो देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका अथवा आता मधुर गुनगुन कर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी, ठीक है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। फिर उन्नीसवा क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा भी कर सकते हैं, आपसे ऊपर का नहीं बनता है तो आप अथवा का भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। और इनका आंसर आपको हम करा देंगे, ठीक है। आपका तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका आता बीसवा क्वेश्चन मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसका, अथवा आता एक आदर्श विज्ञापन की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए। इक्कीसवा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए, तो ये आपके यहाँ पर दिया गया काव्यांश, तो इसको पढ़कर आपको जो यहाँ पर तीन प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर नीचे दिया गद्यांश, आपसे काव्यांश नहीं बनता तो आप गद्यांश कर सकते हैं, और आप इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। और जो इसके प्रश्न चलिए वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं,
हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पहला प्रश्न आता है, दूसरा तीसरा प्रश्न देख लीजिए, और फिर आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो चरण नंबर करेगा इसका अथवा आता है प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, और फिर 23वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित निबंध लिखिए, आपका चरण नंबर एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।